आरजेडी का है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। ऐसा पटा रहा है कि दिन भर पटाएगा फिर भी नहीं पटेगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सबका क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं, खेत में पानी नहीं है तो धान का रोपनी हो रहा है, तो धान। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रोपने के लिए जा रहे हैं तो उसी में हम लोग पानी पटाएंगे। ये मेरा छोटा भाई है और उसके बाद में देखिए यहाँ पास कादो पाक एकदम भरा हुआ है, ज़बरदस्त। तो चलिए वीडियो में बना रही आप लोग भी ज़बरदस्त। और ये गमछा, आप लोग सोच रहे हैं कि ये गमछा क्या चीज़ का है, तो ये आरजेडी का है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो देख लो अपने खेत में यहाँ पर पानी है, दूसरे के खेत में तो पानी है मगर अपने खेत में पानी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर मेरा गांव है, जो गांव दिख रहा है वो मेरा ही है और ये गांव जीतपुर है, खैरवा जीतपुर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है लिख देना। और ये जो है सामने जो है मेरा भाई है, चेहरा दिखा दे। हेलो दोस्तों, गजब बेइज्जती है। देखिए सामने दिख रहा है वहाँ पर वो घर जो इसी के सामने है, खेत है तो उसी पर। हेलो दोस्तों, तो ये देख सकते हैं पीछे खेत में, दूसरे का खेत में है पानी मगर हमारे खेत में पानी नहीं है, क्यों हुई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसका रीजन आप लोग कमेंट में बताइए क्या रीजन है इसके, इसमें खेत में पानी है और यहाँ पर साथ में है और यहाँ पर देख ले नाक खुजा रहे हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों। तो बारिश तो हो नहीं रहा है मगर धूप बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा है कि देख लीजिए चेहरे का लाइट जो है ना बिगड़ चुका है। ये क्या बात करता है यार। दोस्तों तो फाइनली हम आ चुके हैं, देख लीजिए मेरा माँ यहाँ पर है, मैं माँ की तरफ दिखा दे रहा हूँ। जा रहे हैं, चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं, तो माँ हमको दूसरे खेत में बैठा दी है कि पानी नहीं है, देख लीजिए सूखा पड़ा हुआ है, खेत में नहीं है और एकदम सूखा पड़ा है, देख लीजिए यहाँ पर पानी जो है पटा रहा है, देख लीजिए। हम बोले थे कि नहीं पानी दूसरे का खेत में है मगर मेरे खेत में नहीं है, क्यों? आप लोगों को कमेंट में ये बोलने के लिए हम बोले हैं कि कमेंट में आप लोग कमेंट करिए क्यों नहीं पानी है मेरे खेत में, क्योंकि नहीं बता सकते हैं आप, हम नहीं बता सकते हैं इसलिए कि आप लोग भी कमेंट करिए और देखिए बाल्टी से कैसे पटा रहे हैं। चलिए चलते हैं पटाने के लिए हम भी। मैंने पटाना शुरू कर दिया है मगर हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा था और हवा भी इतना तेज चल रहा था दोस्तों कि क्या बताऊँ मैं, ना बताऊँ। और उसके बाद में हमारा भाई तो थक गया था इसीलिए हम पटा रहे थे, बोला रहे भैया हमसे नहीं हो पाएगा, आप पटाइए, ठीक है। फाइनली दोस्तों इतना पटाने के बाद अभी थक चुके हैं, इसीलिए अभी इतना ही है जो अभी इतना ही पानी है जो भरा है, अब भरने में बहुत टाइम लगेगा। तो देख लीजिए मेरा छोटा भाई यहाँ पर पटा रहा है पानी, और ऐसा पटा रहा है कि दिन भर पटाएगा फिर भी नहीं पटेगा, ठीक है। चलिए हम बनते हैं। क्या बात है, कौवा का नजारा ये इस समय में मिलता है भैया, देख लीजिए। हेलो दोस्तों, तो हम लोग घर पे निकल चुके हैं जाने के लिए, क्योंकि खाना ले आने के लिए जा रहे हैं, खाना आएंगे उसके बाद में फिर खेत में जाएंगे। और मेरा भाई भी पीछे से हंस रहा है। गंगा के पानी जैसे प्यारे बाबू तुम्हारा कैसे बनी जाने दे। क्या बात है दोस्तों, हर चलाए तुमने ओए तुमने फसल लगाई कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई, तोड़ गुलामी की जंजीरें बेबस होना है। फाइनली दोस्तों हो चुका है, देख लो मेरा भाई भी और मेरा अबू भी है साथ में, तो हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। करी हो किसानी सैहा दूर से निहारम हो, भूल मत जइहा जदी जरा से झारब हम।